लिए ईसाइयों में हमारा डाक ठीक नहीं, इसीलिए हम उसको हम बिल्कुल दबाए रखें, नियंत्रित कर रहे। ठीक बात सही, बहुत आवश्यक है भावा, समय का सार्थक बनाना है, समय का उसके बाद सदुपयोग करना बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि अपन इस समय में अध्ययन के पक्ष में है उसमें समय को सार्थक बनाया जाए, अध्ययन में अधिकार होता है, अध्ययन का मतलब है अधिकार होना, अध्ययन का मतलब ही अधिकार अधिकार होना, अधिकार अधिकार नहीं है, अधिकार के पहले केवल सुन रहे हैं। ओहो अच्छा अच्छा, देखिए हाँ मतलब अब थोड़ा सा बाबा इसकी हवा लग रही है, क्यों आप गुस्सा हुए है ना, अगर मैं ये कहता हूँ अधिकार नहीं है मतलब कि आप आपका प्रभाव ही नहीं छू पा रहा है मुझे, है ना, उस वो हो जाता है क्योंकि इस हस्ते में ही अध्ययन हो रहा है। ये देखो हाँ। आप ठीक कह रहे हो एक बात, हाँ हाँ हाँ, उसमें तो तत्काल होता है, हाँ हाँ, उसके बाद हम ठीक समझे, हाँ हाँ, ये अधिकार, हाँ ठीक, आप ठीक कह रहे हो तब हाँ, तक सुनना हुआ, हाँ हाँ है ना, कहने का मतलब है सुनना, हाँ हाँ ठीक, यहाँ हाँ, तक ठीक हो गए, हाँ, समझे का मतलब है प्रमाण करने योग्य, प्रमाणित करने योग्य हुए, हाँ हाँ, इतना ही अंतर, ठीक है ठीक है, ये अधिकार, ये अधिकार, प्रमाणित करने योग्य हुए माने अधिकार हो गया, प्रमाणित करने योग्य हुए मतलब अधिकार हो, नहीं तो सुन रहे हैं, नहीं तो सुन रहे, ठीक है, क्या हालत, ठीक बात है, ठीक है ना, ठीक, शुभ गली भी नहीं है इसमें, हाँ बाबा बिल्कुल, यहीं पे जम के बैठेंगे जब तक आप समझा रहे, मतलब हम समझ नहीं जाएंगे, सही बात, उसी उद्देश्य से आया हो, ठीक बिल्कुल, उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा तो क्या मतलब, ठीक तो है, सीधा बात है, सीधा बात तो यही बात, ठीक, हरिहर, डांटना भी नहीं है, आप लोग डांट को सहने योग्य नहीं है मेरे मुंह मूल्यांकन में, अभी क्या है उसकी जरूरत भी नहीं, स्नेहल विधि से ही सारे बात होता है, तो कह के लिए डांट, ठीक है, ठीक है बाबा, ये ठीक है बाबा, ये अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, जब वो नहीं होता है तो तब डांट के, ठीक है, किसी भी तरह नहीं छोड़ते।